देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के प्रधाननगर थाने की पुलिस ने लाखों रुपए के गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर गुरंग बस्ती मोड़ इलाके में एक सफेद कार जब्त की गई और लगभग 36 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गांजा बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक की बारी बालूर घाट की है। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि कूचबिहार से कार के अंदर 5 पैकेट गांजा इस तरह रखा गया था कि समझना काफी मुश्किल था, लेकिन प्रधानगर थाने की पीसी पार्टी टीम ने कार की तलाशी ली और गांजा बरामद किया। उन्हें रात करीब 9 बजे गुरंग बस्ती चौराहे से पकड़ा गया। गांजा सिलीगुड़ी के एक व्यक्ति को दिया जाना था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रधानगर थाने की पुलिस इस काम में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है।